यानी एक मैनेजर जब स्टाफिंग के लिए बैठा है, वो सोच रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तब उसे दूर की सोचनी है, उसको पहले ही ये तय कर लेना है कि इस आदमी को मैं चुनूंगा तो ये लंबे समय तक मेरे काम आएगा भी या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जहां आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जिसका नाम है स्टाफिंग फंक्शन। जी हां दोस्तों, एक मैनेजर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसे कई काम ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ते हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े और वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बना पाए, प्रोडक्टिविटी भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती रहे। इसीलिए निरंतर इन फंक्शंस का इस्तेमाल एक मैनेजर को करते रहना चाहिए। इसी में सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है स्टाफिंग फंक्शन। जी हां दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने प्लानिंग फंक्शन और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में बात की। यहां हमने जाना कि प्लानिंग करना गोल्स सेट करने से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं प्लानिंग वाले फंक्शन में एक मैनेजर तय करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हासिल करना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में एक मैनेजर सारी चीजों को, रिसोर्सेस को, मैन, मनी, मशीन, ये सब चीजों को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, आज का जो फंक्शन है स्टाफिंग फंक्शन, ये एक महत्वपूर्ण फंक्शन इसलिए है क्योंकि यही मैनेजर जो है वो सही लोगों को रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है और उन्हें काम एग्जीक्यूट करने के लिए चुनता है। यस, स्टाफिंग इज ऑल अबाउट व्हाई एंड व्हेन and how we are going to recruit particular staff for our organization. हम कैसे चुनेंगे, कैसे उन्हें ट्रेनिंग करेंगे, कैसे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का एक अटूट अंग बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का फंक्शन वापस से एक बार हेनरी फेयोल के ही सबसे अहम डेफिनेशन के साथ, जहां वो कहते हैं टू मैनेज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड कंट्रोल। जी हां दोस्तों, FPOCC, यहां हेनरी फेयोल कहते हैं कि मैनेजर का काम होता है दूर की सोचे, आगे की सोचे, फोरकास्ट करे, वो प्लानिंग करे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करे चीजों को और कमांड करे, स्टाफ को बोले कि भाई तुझे ऐसे काम करना है, और फिर कंट्रोल करे कि भैया जो सोचा था वो काम हुआ भी या नहीं। दोस्तों, हमें लुथर गुलिक को हमेशा याद रखना चाहिए जो कहते हैं पॉस डी कॉब, ये है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग को उन्होंने सबसे अहम माना है। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाफिंग का फंक्शन। याद रखिए, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जी हाँ, जो हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने के लिए काम को स्टाफ की जरूरत होती है। प्रॉपर वे में हमें सही लोगों की जरूरत होती है रिक्रूट करने की, उन्हें सिलेक्ट करने की। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, यानी सही व्यक्ति को चुनिए, उसकी पहचान कीजिए कि ये मेरा काम सही ढंग से कर पाएगा या नहीं, फिर उसे ट्रेनिंग दीजिए, उसका डेवलपमेंट कीजिए और साथ ही साथ उसे पगार भी दीजिए, रेम्यूनरेट कीजिए, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे लंबे समय तक। डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, यस, ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर। हर एक सफल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसकी बुनियाद उसके स्टाफ होते हैं, उसके एम्प्लॉइज होते हैं। वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जी हाँ, बेस्ट यूटिलाइजेशन, कैसे किसी से काम निकलवाएं, कैसे किसी का बेस्ट हम बाहर निकालें, यही तो होता है मैनेजर का कर्तव्य, मैनेजर का काम, और इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं कुछ डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग। यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए हैं। सबसे पहले, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन। कुछ शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं स्टाफिंग से जुड़े हुए। रिक्रूट करना यानी चुनना, सिलेक्शन करना यानी वापस से अपॉइंट कर लेना किसी बेस्ट को सभी रिक्रूटेड सभी लोगों में से, उसके अलावा डेवलपमेंट और ट्रेनिंग देना ताकि उसे और ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट बनाया जा सके, और कंपेंसेट करना यानी सही समय पर सही फेयर पगार दे देना ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। लूथर गुलिक कहते हैं स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन। यहाँ पे मैनुअल, ये एक पर्सनल फंक्शन है क्योंकि आप इंसानों को चुन रहे हैं, आप ह्यूमन बींग से जुड़ रहे हैं। यहां पर आप सिर्फ हवा में प्लानिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप इंसान को, एक प्रॉपर व्यक्ति को, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चुन रहे हैं। इसीलिए पर्सनल फंक्शन है ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। एस बेंजामिन कहते हैं स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, पहचानना कि कौन मेरा काम सही से कर पाएगा, कौन है बेहतर मेरे काम को करने के लिए, असेंसिंग,
प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क, यानी मैनेजर को लोगों को सही दिशा दिखानी होती है। मैनेजमेंट के बारे में हमेशा कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो लीडर की तरह डायरेक्शन देता है, तो इसीलिए उसे स्टाफिंग फंक्शन जो है बहुत अच्छी तरह से निभाना होगा, तभी तो वो अपने स्टाफ को सही दिशा दिखा पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों डेफिनेशन आप समझ पा रहे होंगे, तीनों में से कोई भी एक अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं आज का आंसर। आज का आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। और जैसा कि आपने देखा दोस्तों, पिछले कई वीडियोज के अंदर जो भी हमने फंक्शन पढ़े, हर एक फंक्शन के अंदर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां पर भी वैसा ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग 10 पॉइंट का आंसर। इसे आसानी से समझने के लिए और इजीली याद रखने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में सुपर डुपर हिट मार्क्स लाने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प MIB, हेल्प MIB, हेल्प MIB। जहां H से हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, H से ही हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, E से फिर से दो पॉइंट हैं, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन और एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, L से भी दो पॉइंट्स, लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, L से लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और हेल्प MIB के अंदर P से प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन, M फॉर मेंटेन हार्मनी, I फॉर इंप्रूव्स एफिशिएंसी और B से बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो इस प्रकार हेल्प MIB की मदद से आप आसानी से 10 पॉइंट को समझ लेंगे। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारे सामने हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक्स से हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैनेजर का ये एक पर्सनल फंक्शन है। यहां पर ये ह्यूमन बीइंग का रिक्रूटमेंट कर रहा है, उसे चुन रहा है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, और इसी से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हासिल करते हुए एम्प्लॉय जो है वो अपना डेवलपमेंट भी कर लेता है। और इसीलिए दिस फंक्शन इज कंप्लीटली अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेस, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस से रिलेटेड नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज एन असेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना ज्यादा अच्छा स्किलफुल पढ़ा लिखा एक एम्प्लॉय होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को उतनी ज्यादा सफलता दिलाएगा। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकल्केट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज, इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। यानी आप स्टाफिंग फंक्शन में क्या करते हैं, किसी एक अच्छे होनहार व्यक्ति को चुनते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपको क्षमता दिखाई देती है कि ये मेरा काम अच्छे से कर पाएगा। उसे चुनने के बाद उसे काम सिखाते हैं कि भाई देख ऐसे ऐसे करना है, इतने टाइम में करना है, वो उस काम को सफलतापूर्वक करे, वो भी कुछ सीखे और आपका ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। यही होती है स्टाफिंग फंक्शन की पूरी प्रक्रिया। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो मैनेजर को हेल्प करता है, किस चीज में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। पढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप सही स्टाफ चुनेंगे तो आप टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग कर पाएंगे। ट्रेन एम्प्लॉयज अगर आपके पास होंगे जो जरा स्किलफुल हैं, जो डिजिटल स्किल्स भी जानते हैं, ऐसे ट्रेन एम्प्लॉयज जो होंगे ना, वो टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल मटेरियल टेक्नोलॉजी और मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई लिखा पढ़ी करके हिसाब किताब कर रहा है पर कोई कंप्यूटराइज्ड वे में ज्यादा फास्ट तरीके से रिजल्ट और आउटपुट दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग फंक्शन में ये माना जाएगा कि वो बेस्ट है और वो फास्ट काम कर रहा है तो उसे चुना जाए। हालांकि कई बार ऐसा नहीं भी होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सीनियोरिटी और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी लोगों का चुनाव करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रह पाएंगे। पढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है ई से इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। जी हाँ, ये बात तो सभी फंक्शंस पे लागू होती है, फिर वो प्लानिंग का फंक्शन हो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो, या स्टाफिंग फंक्शन या कोई अन्य फंक्शन, हर एक फंक्शन मैनेजर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो एक की परफॉर्मेंस बूस्टर की तरह साबित होता है। और यहां पर स्टाफिंग की अगर बात करें तो स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी अगर स्टाफ ही सही ढंग से काम नहीं करेगा तो बाकी के फंक्शन कैसे सही होंगे, है ना। जो जिस आदमी को आपने काम पे रखा है वो अगर काम सही ढंग से कर ही नहीं रहा है तो फिर बाकी कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लो, कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कर लो, रिसोर्सेज वेस्ट ही होने वाली। तो ये बहुत जरूरी है कि ये वाला फंक्शन इफेक्टिव हो, इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त हो, क्योंकि इसी से तो दोस्तों आगे काम बढ़ पाएगा।
दोस्तों प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ये सभी जो है स्टाफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ द स्टाफ वर्क्स वेल, वर्क्स हार्ड एंड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन डेफिनेटली इट विल बी इफेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी एक योगदान जो होता है ना, एक कंपनी के अंदर हर किसी का अपना रोल होता है और एक स्टाफ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है। स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अगर हम एम्प्लॉय को सिर्फ पगार के साथ साथ थोड़ा सा बोनस भी दे दें तो वो मोटिवेटेड फील करेगा और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, यानी कौन कितना काबिल है उसी के आधार पर चुनाव होता है किसी भी एम्प्लॉय का, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। Therefore, the contribution of the staff in their future role is taken into account in staffing function. यानी एक manager जब staffing के लिए बैठा है, वो सोच रहा है, interview ले रहा है, तब उसे दूर की सोचनी है, उसको पहले ही ये तय कर लेना है कि इस आदमी को मैं चुनूंगा तो ये लंबे समय तक मेरे काम आएगा भी या नहीं, ये टिकेगा भी या नहीं, ये organization को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर भी पाएगा या नहीं, यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोच कर ही किसी को हमें स्टाफ बनाना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है हेल्प एमआईबी के अंदर, एल से लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है ना रंग रूप बदल के यहां पर आया है, लेकिन है वही पॉइंट जो हमने पिछले दो आंसर्स में भी देखा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, यहां पर रिसोर्सेज कौन सी हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। बस हमें यही याद रखना है कि वेस्टेज कम करो और रिसोर्सेज का भरपूर अल्टीमेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स, यानी वर्कफोर्स का वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। जो टाइम पे आने को बोला आ जाने का, प्रेजेंट ही लगा के खाली बैठे नहीं रहने का, काम परफेक्ट तरीके से करने का, और तभी आप इफेक्टिव और एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। प्रॉपर केयर इज टेकन दैट एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। किसी को काम के बोझ तले इतना दबा भी मत दो कि वो बेचारा दब के मर जाए। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए, कहीं ना कहीं सैलरी भी उतनी मिलनी चाहिए जितना काम कर रहे हैं, तभी एम्प्लॉय खुश रह पाएगा और तभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहां पे बात बहुत ही सिंपल है, एल फॉर लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं, एक एफिशिएंट स्किलफुल बंदे को चुनते हैं काम करने के लिए, तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने नहीं देगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एल फॉर अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हर मैनेजर को स्टाफिंग फंक्शन में ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, फ्यूचर की सोचे बंदा, टिकेगा कि नहीं, लंबे समय तक काम कर पाएगा कि नहीं, रोल निभा पाएगा कि नहीं अपना ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने में। क्वालिफाइड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, स्किलफुल वर्कफोर्स होना चाहिए, चैलेंजेस को फेस कर पाए ऐसा होना चाहिए, इज ऑलवेज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। तो अगर हमने एक जबरदस्त स्किलफुल बंदे को चुना है तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में आप बात समझ पाए होंगे कि हर ऐसे व्यक्ति को आप चुनिए जो लंबे समय के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल रहे, एफिशिएंसी बढ़ाए और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोवाइड करे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, पी से प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हमने सही चुनाव किया है, अगर हमने सही सिलेक्शन किया है, तो बंदा कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे, उसे पता होगा कि उसे किस काम के लिए चुना गया है और वो काम करने में सेटिस्फैक्शन भी फील करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी एम्प्लॉय को काम पे रख दिया लेकिन उसके लिए जो काम है वो अभी तक वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो उसे हम कोई भी काम दे देते हैं, भाई जरा चाय लेके आ जा, भाई तू जरा ये लाइट चालू कर दे, भाई जरा आज तू बैंक में चले जा। ये जब हम काम कुछ भी देने लग जाते हैं तो एम्प्लॉय हो सकता है यार अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ना कर पाए और नाराज हो जाए। तो जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टाफिंग अगर सही ढंग से हो तो जॉब सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एडिक्वेट रेम्युनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर रेम्युनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। यानी मोटिवेशन तभी मिलेगा जब सही काम मिलेगा और सही दाम भी मिलेगा, यानी पगार भी राइट मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है MIB में M फॉर मेंटेन्स हार्मनी। अगर हमने सही व्यक्ति को चुना सही काम के लिए तो यार हेल्दी एनवायरमेंट भी होगा, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, जेलसी नहीं होगी और
जो काम का वातावरण है वो बहुत जबरदस्त रहेगा. इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इज रेगुलरली अप्रेज्ड एंड प्रमोशंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. यहाँ पर सिफारिशें नहीं चलती. अगर सिफारिश के बलबूते पर अगर हमने किसी को प्रमोशन वगैरह दे दिया तो शायद जेलेसी, ईगो और हार्मनी पे ठेस पहुंचे. फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बहुत जरूरी है कि मेरिट पे काम हो और स्टाफिंग अच्छे से की जाए ताकि हार्मनी बनी रहे और अच्छा वातावरण रहे, यहाँ पर ईगो और जेलेसी ना हो. दोस्तों आई से इंप्रूव एफिशिएंसी, ये बात तो हर पॉइंट में आप लिख सकते हैं, हर एक फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं. फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या स्टाफिंग डायरेक्टिंग हो, इन एवरी फंक्शन हम फंक्शन इसीलिए कर रहे हैं, निभा रहे हैं मैनेजर का रोल ताकि हम एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके ना. हम ये सारा काम ही इसलिए कर रहे हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब पे चुनेंगे तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारी काबिलियत, हमारी क्षमता को बढ़ाना. तो ये स्टाफिंग फंक्शन हमारी क्षमता को डेफिनेटली इंप्रूव करता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉइज and through proper training the performance level of the employees can be improved. यानी अगर हम सही चुनाव करेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी और हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, यह है बी से builds cordial relationships. जी हाँ, संबंध अच्छे बनते हैं, तालमेल अच्छा बनता है, कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहता है. दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन. जी हाँ दोस्तों, जब हम चुनते हैं सही व्यक्ति को तो वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाता है, एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन बिल्ड कर पाता है और तालमेल के जरिए ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ पाता है. तो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के. आंसर का नाम हेल्प MIB, हेल्प MIB. H for helps in human resource development. H for helps in effective use of technology. E से 2 points, effective managerial function, essential contribution. L से भी 2 points, leads to effective use of human resources. And L for long term effect. P से provides job satisfaction. Or MIB यानी maintain harmony, improves efficiency or builds cordial relationships. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा आंसर समझ आया होगा. जरूर इसे लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा शॉर्ट कोड के साथ. Remember to repeat, repeat to remember. इसी मंत्र के साथ आप definitely answer को आसानी से याद कर पाएंगे. हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए videos के साथ. तब तक के लिए बने रहिए हमारे channel पर. Do like, share and subscribe.